तकरीबन 42 मिनट के बाद वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन उसके ठीक पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। दिल्ली के घोंडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साहब सिंह चौहान की कार पर हमला हुआ है। उस वक्त उनके बेटे भी कार के अंदर मौजूद थे। जो आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि कांग्रेस समर्थकों ने ही हमला करवाया है। योगेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। योगेश, सबसे पहले ये बताइए, साहब सिंह चौहान और कार में जितने लोग मौजूद थे, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, चित्रा बात कर रहे हैं कि ये सुबह के करीब ही घटना है, अभी करीब आधे घंटे पहले घटना है। साहब सिंह चौहान के बेटे, साहब सिंह चौहान उस समय कार में नहीं थे, उनके बेटे अपने साथियों के साथ बूथों का निरीक्षण करने और लोगों से पता करने जा रहे थे कि पोलिंग का सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस दौरान जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो थाने के पास जाके उनकी गाड़ी पर अचानक हमला बोल दिया गया। कुछ 8-10 लोग बता रहे हैं जिसके जिन्होंने हमला बोला, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उनके बेटे ने थाने में घुस के अपनी जान बचाई है। फिलहाल उनका बेटा थाने के अंदर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी चित्रा, कांग्रेस समर्थकों पर आरोप लग रहे हैं इस हमले के? जी बिल्कुल, उनका जो कहना है, साहब सिंह चौहान से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे से बात हुई थी कि जो जैसे वो घर से बाहर निकले थे और थाने के पास पहुंचे तो वहां कांग्रेस के कुछ समर्थक हैं, जो कि साहब सिंह चौहान के अनुसार आरोप है कि कांग्रेस के समर्थकों ने ही उनकी कार पर हमला, उनके बेटे पर जानलेवा हमला। चलिए, आप नजर बना रखिए योगेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। साहब सिंह चौहान जो कि दो बार से बीजेपी के एमएलए 47,531 वोट से जीत हासिल की थी उन्होंने 2013 में, एक बार फिर से मैदान में, उनके ऊपर यह हमला और आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के ऊपर। और